ये रात दो दो तीन के बीच में मेरी एक बड़ी लड़की है रौनक, वो दौड़ते दौड़ते आई, बताई कि अब्बू ऐसी ऐसी बात है। वो ऊपर शुरू से ही सोती है भाभी के पास। वो आके बताई कि अब्बू अरे जल्दी से दरवाज़ा खोलिए पीटी। हम लोग सो तुरंत उठे, बताई कि ऊपर आग लग गया है, वो तसिया जल रही है, जल गई है। हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी ऊपर गए आग बुझाने की कोशिश की। हम लोग को ये ध्यान ही नहीं रहा भैया भाभी भी अंदर है, भैया भाभी भी अंदर है, हम लोग को ये जरा सा भी एहसास ही नहीं हुआ। खाली ये लगा कि तसिया जल रही है। तो वहाँ पे हम लोग जब आग सिवाय हम लोग के अलावा जो पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हम लोग पानी वहाँ पे टंकी रखा था और कोई पानी सब घर के लड़के लड़कियाँ सब बुझाना शुरू कर दिए और आवाज़ भी लगाने लगे। मोहल्ले वाले हमारे सारे तुरंत तुरंत ऑन स्पॉट सब आ गए और तुरंत बुझाना शुरू कर दिए। बुझाते बुझाते इतना ज़्यादा आग पकड़ लिया था कि हम लोग अंदर घुस नहीं पाते थे, दम घुटने लगा था। जब अंदर अंदर किसी तरीके से बगल का जो दरवाजा बगल की दीवार थी उसको तोड़ा गया, तोड़ के जब अंदर इतना करीब करीब टूटा वो, और अंदर जब देखे तो मतलब कि तीन चार बाड़े अरे बाड़ी हम लोग को दिखा। तो हम लोग की और हालत ख़राब हो गई कि भैया भाभी भी अंदर फंसे हैं, क्या लग रहा है। तो किसी तरीके से हम लोग उन लोगों को भैया भाभी को किसी तरीके से आग पे काबू पा के भैया भाभी को निकाला गया। निकाल के जब देखे तो वो लोग तो तुरंत ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए थे। और अलवीरा जो है अलवीरा और ये तचकिया दोनों की सांसें चल रही थी। हम लोग तुरंत सरकारी हॉस्पिटल गए, यहाँ पे कागज़ हो गए थे तुरंत रेफर किए, तुरंत 108 पे फ़ोन किया गया, गाड़ी आई, गाड़ी पे हम लोग लेके दो एम्बुलेंस के साथ BHU गए, एक गाड़ी पे तचकिया एक गाड़ी पे अलविदा। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते वहाँ पे हॉस्पिटल में एंट्री किए हैं और थोड़ी देर बाद वो एडमिट भी नहीं कर पाए, ये एक्सपायर कर गए तचकिया। थाना गोपीगंज के चूड़ियारी मोहल्ले में आज रात्रि में 2:30 से 3 बजे के बीच में दुर्घटनावश एक घर में आग लग जाने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से मोहम्मद असलम और उनकी पत्नी और उनकी नातिन तीनों की मृत्यु हो गई है और चौथी बच्ची को BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी की गई है उसमें आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रचलित है।